तो अब करते हैं बच्चों ट्वेल्थ का फिफ्थ पार्ट। काफ़ी पार्ट हैं इसके, कितने हैं, इसके बाद एक और है। चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इस पर भी अप्लाई करते हैं सी एन डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए पहले ऊपर वाला पार्ट मैं लिख लेता हूँ, 3x प्लस अंडर रूट 9x² माइनस 5 प्लस, ये पूरा नीचे वाला उतार दूंगा, ये हो जाएगा 3x माइनस अंडर रूट 9x² माइनस 5 होल अपॉन, ये ऊपर वाला फिर से नीचे उतारूंगा, 3x प्लस अंडर रूट 9x² माइनस 5 माइनस, ब्रैकेट लगाइए, पूरा का पूरा लिख दूंगा, ये हो जाएगा 3x माइनस अंडर रूट 9x² माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर 5 है तो 5 ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे 5 है तो ये अपॉन 1 कर देता हूँ। तो देखो मैं अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अगर इस पर लगाऊँ तो ये हो जाएगा 5 + 1 अपॉन 5 - 1, ठीक है। अब देख लीजिए जो जो कट रहा है मैं उसको काट देता हूँ, ये पूरा कट रहा है, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, पीछे वाला हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखिए ये भी पूरा कट गया, बचा क्या वो मैं लिख लेता हूँ, 3x प्लस 3x, ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 6x अपॉन, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 9x² माइनस 5, ठीक है, दो बार था इसलिए 2 लिख दिया है ना, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 अपॉन 4, ठीक है, ये 6 से ये पूरा 6 कट गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देख लीजिए क्या आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 9x² माइनस 5। अब देखिए अंडर रूट तो मुझे हटाना ही है कैसे ना कैसे करके, तो मैं क्या करूँगा आपको पता है, बताइए जल्दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 4 16 16x² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 2 2 4, और ये अंडर रूट था तो ये एज इट इज मैं लिख दूंगा 9x² माइनस 5, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो ये देख लीजिए, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये हो जाएगा 16x² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 9 36x² 4 - 5 कितना हो जाएगा -20। तो देख लीजिए ये -20 जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, और ये 16x² मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 36x² -16x², राइट। तो देख लीजिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू, ये हो जाने वाला है हमारा 0 20x², ये पूरा कट गया, तो 1 इक्वल्स टू x², ठीक है, और x हो जाएगा बच्चों मेरे पे अंडर रूट 1, मतलब जो x की वैल्यू आने वाली हो जो पॉजिटिव नेगेटिव 1 प्लस माइनस, ये समझ में आया होगा आपको, ये स्क्वायर है इसलिए दो वैल्यू है ना, जैसे x² ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक होती है ना, तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x², तो x की कितनी वैल्यू, कितने x कितने आने वाले, दो आने वाले x की वैल्यू है ना, तो इसलिए ये प्लस माइनस, मतलब एक बार x हो जाएगा पॉजिटिव 1 और एक बार x होगा नेगेटिव 1। तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कि पॉजिटिव 1 है कि नेगेटिव 1 में इसको लेना है, तो इसको चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा x की वैल्यू अभी, है ना, अभी तो दो वैल्यू आ रही है, अभी हम मुझे पता नहीं है कौन सी लेनी है यहाँ पे, तो इस पर पुट करके देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू सही है, x पॉजिटिव 1 सही है कि नेगेटिव 1 सही है, तो घबराने की बात नहीं है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, देखो x की हमारी दो वैल्यू आई थी x = 1 और एक बार आई थी x = -1, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ ये हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू 1 तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 रख दूंगा, तो ये अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 * 1 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस फिर 9 * 1 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट, ये भी 4 होगा, और अंडर रूट 4 होता है हमारा 2 + -2 है ना, तो 3 प्लस ये हो जाएगा +-2 अपॉन 3 माइनस +-2, मतलब एक बार मुझे प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है ना, तो ये कितना हो जाने वाला है हम पे, तो मैं इसको एक बार प्लस ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/, और एक बार मैं इसको नीचे माइनस ले लूँगा तो ये हो जाएगा 5/1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, सेटिस्फाई ये कर रहा है, पर यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर इस केस पे देखता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो 3 - -1 -3, नीचे भी -3 होने वाला है, प्लस प्लस यहाँ पे देखता हूँ नेगेटिव का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये भी यही आने वाला है, तो नेगेटिव 3 + -2 अपॉन -3 + -2
टू। तो देखो यहाँ पे तो किसी भी केस पे ना, यहाँ पे नेगेटिव फाइव आ सकता है, पर मुझे तो फाइव अपॉन वन चाहिए था। तो इस केस में फाइव अपॉन वन आ रहा है, पर इस केस में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं। मेरे पे तो फाइव अपॉन वन आना था ना, पर यहाँ पे इस केस में नेगेटिव आ रहा है ये, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो प्रॉब्लम इस पे क्रिएट हो रही है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और एक्स इक्वल्स टू मैं वन ले लूँगा।